पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ जीवन से जुड़ी सारी गतिविधियाँ पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के अलावा एक और ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है? जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से रूबरू करवाएंगे। मंगल यानी मार्स सूरज का चौथा निकटतम प्लैनेट है। ये मरकरी के बाद सोलर सिस्टम का सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सूरज से इसकी दूरी की बात करें तो 227.9 मिलियन किलोमीटर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती का एक चांद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल के एक नहीं दो चांद हैं, जिनका नाम है फोबोस और डेमोस। फोबोस डेमोस से थोड़ा बड़ा है। फोबोस मंगल की सतह से महज 6000 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि मंगल को लाल कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बता दें कि मंगल की मिट्टी में पाए जाने वाले लौह खनिज में जंग लगने की वजह से यहाँ का वातावरण और मिट्टी लाल दिखाई देती है। ग्रेविटी की बात करें तो मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का एक तिहाई है। यानी मंगल पर अगर कोई चट्टान गिरती है तो वो धरती के मुकाबले बहुत धीमी रफ्तार से गिरेगी। कहते हैं कि धरती पर किसी इंसान का वजन अगर 35 किलोग्राम है तो मंगल पर कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसका वजन महज 16 किलोग्राम होगा। एक तरफ जहां मंगल और पृथ्वी में बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं, तो वहीं एक बहुत बड़ी असमानता भी है, और वो है यहाँ की हवा। जानकर हैरानी होगी कि मंगल की ज्यादातर हवा जहरीली है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा केवल 0.13% ही है। मंगल की सतह की बात करें तो ये एक सूखा और धूल से भरा ग्रह है। इसकी सतह चट्टानी है और यहाँ आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि लाल है। बता दें कि यहाँ धूल भरे तूफान उठते रहते हैं, जो कई बार तो पूरे ग्रह को ही ढक लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल पर सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। इतना ही नहीं, यहाँ की घाटियाँ भी काफी बड़ी हैं। कहते हैं कि अगर ये धरती पर होती तो न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक फैली होती। जिस तरह से धरती पर ज्वालामुखी हैं, ठीक उसी तरह मंगल पर भी ज्वालामुखी मिलते हैं, जो बहुत बड़े और पुराने हैं। माना जाता है कि यहाँ पाए जाने वाले ज्वालामुखी निष्क्रिय हैं, लेकिन यहाँ एक और ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है ओलंपस मून, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आज भी सक्रिय है। इसकी ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल एक रेगिस्तान की तरह है, इसलिए अगर कोई यहाँ जाना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा पानी लेकर जाना होगा। पानी से याद आया कि यहाँ पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मिलता है, और कल्पना की जाती है कि यहाँ नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। इस ग्रह के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि ये पृथ्वी से ज्यादा छोटा, शुष्क और ठंडा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मंगल पर एक साल धरती के 687 दिन के बराबर है। वहीं मंगल का एक दिन 24 आवर्स से थोड़े ज्यादा का होता है। मंगल और धरती करीब 2 साल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। दोनों के बीच की दूरी उस दौरान महज 5,60,00,000 किलोमीटर होती है। तो सोचिए देखने में नजारा कैसा होगा। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि सौर मंडल के बाकी ग्रहों में से मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें काफी कुछ धरती के बराबर ही है। शायद यही वजह है कि यहाँ मानव जीवन की खोज आज भी जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ साल में मंगल पर भी धरती की तरह जीवन होगा? क्या यहाँ भी मनुष्य होंगे और उससे जुड़े संसाधन होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।